करनाल जिला प्रशासन द्वारा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर को थोड़ा और खुला व खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत बाजार में टू व्हीलर और लोडिंग वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, जिस पर आज कुछ दुकानदारों ने अपना एतराज भी जाहिर किया। आपको बता दें कि करण गेट मार्केट के दुकानदारों ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि प्रशासन इस एरिया में टू व्हीलर और लोडिंग वाले वाहनों को आने जाने की इजाजत दे, ताकि दुकानों में सामान लाने और सामान ले जाने वालों को सुविधा मिल सके। बताते चले कि दुकानदार रोज स्वरूप कमेटी चौक और करण गेट के बीच वाले मार्केट में इकट्ठा हुए और प्रशासन से राहत देने की बात करने लगे, जिसका पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों तक यह बात बताई। बाद में मार्केट के दुकानदारों को जिला उपायुक्त ने लघु सचिवालय में मिलने के लिए बुलाया, ताकि समस्या का कोई समाधान हो सके। यहां आपको यह भी बता दें कि स्मार्ट सिटी के तहत करनाल शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सिविल अस्पताल चौक से पुरानी सब्जी मंडी, कुंजपुरा रोड, घंटाघर चौक व करण गेट आदि बाजारों को नो व्हील जोन घोषित किया गया है, जिसके चलते आज 1 अप्रैल से ट्रायल के तौर पर कमेटी चौक से करण गेट मार्केट को नो व्हील जोन घोषित किया गया। ग्राहक सिर्फ निगम द्वारा बनाई गई पार्किंग में ही अपने वाहन खड़े कर अंदर बाजारों में शॉपिंग करने के लिए आ सकेंगे, जिसका असर आज देखने को भी मिला। वहीं बाजार में आने वाले ग्राहकों ने कहा कि यह प्रशासन का बेहद सराहनीय प्रयास है। इस तरह के प्रयास अगर प्रशासन करता है तो ग्राहकों को भी सुविधा होगी और दुकानदारों को भी सुविधा मिलेगी। सर, इनकी व्यापारियों की तरफ जो है अपील ये है कि टू व्हीलर अलाउड किए जाए, तो ये बात आपने डीसी साहब तक पहुंचाई? अभी मैंने एसपी साहब को इस बात के बारे में अवगत करवा दिया है। बाकी इन लोगों की तरफ से अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव बनके डीसी साहब से बात कर रहे हैं या इनकी किसी से बात हुई है तो वो अभी देखते हैं। तो चालानिंग तो नहीं की जा रही जो टू व्हीलर खड़े हैं? अभी चालानिंग नहीं कर रहे हैं, अभी जस्ट इनको यही बोला जा रहा है कि आप अपना इसको पीली पट्टी के उसमें रखिए, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 लेन 3 लेन हो गई थी। जस्ट बोला है कि आप उनको 1 लेन में कर लीजिए, ताकि वो उसके अलावा बार बार और लोग ना लगाए। अभी चालानिंग नहीं, वो मैं जा रहा हूँ वहाँ। वो गलत है, क्योंकि आप हमारे 10 बजे के बाद तो दुकानें खुलती है गुड़ मंडी की, होलसेल रेट मार्केट की, और पूरे शहर भर में करियाने की सप्लाई इसी से होती है, जिसमें हर घर तक राशन जाता है। रिक्शाएं खड़ी हैं, मजदूर खड़े हैं, किसी में आटा लोड है, किसी में दालें लोड है, किसी में तेल लोड है, उनको तो कम से कम अप्लाई करना चाहिए। उनको बोल रहे हैं, क्योंकि वही बात कही थी अधिकारियों द्वारा कि अगर इम्प्लीमेंट करने के बाद, जो ये ट्रायल बेसिस पे है, अगर उसके बाद आगे आगे कोई प्रॉब्लम आएगी उसको सुलझाया। लोडिंग रिक्शा वाली तो है ही नहीं, कहीं फिरे नहीं उतरती कि कम से कम इसको तो होना ही चाहिए। मैं अभी हर पॉइंट पे जा रहा हूँ और उनको जाके यही ब्रीफ कर रहा हूँ कि जो ट्रांसपोर्टेशन का माल है उसको आने दीजिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन की जो मांग है वो तो कम से कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस और ये तस्वीरें हैं करनाल के करण गेट की। आज जिला प्रशासन की ओर से करण गेट कमेटी चौक व अन्य वेस्ट इलाके फ्री व्हीकल जोन में शामिल किए गए हैं, जिसके अंतर्गत यहां पर कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर अंदर नहीं आएगा। उसी को लागू करवाने के लिए पुलिस बल आज बाजार में है। वहीं दूसरी ओर दुकानदारों में ये रोष है कि मार्केट में सामान को आने जाने के लिए टू व्हीलर या कुछ लोडिंग का सामान आने जाने दिया जाए। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।